अभी मैं आपको एक ऐसी दंपति से मिलाने वाला हूँ जिनका साथ उनके बेटों ने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, ये जो लोग हैं अपने बेटी के यहाँ पर रह रहे हैं, तो बेटी को तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन इन लोगों से, इस बुज़ुर्गों से मैं बिल्कुल बात करूँगा और कितनी परेशानियाँ इन लोगों को हो रही हैं मैं जानने की कोशिश करूँगा। बाबूजी आप, क्या नाम है बाबूजी आपका? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन नाम है आपका जी? नूरुद्दीन। बाबूजी कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी इतनी है जी, एक तो मैं हार्ट का बीमार हूँ जी, मैं इसका इलाज नहीं करवा पा पैसे की कमजोरी की वजह से जी, और जी मैं हर खर्च से मजबूर हूँ, मेरी कोई पैरोकारी करने वाला मेरे साथ नहीं है, बच्चे मेरे पास मेरी पैरोकारी नहीं करते, कोई पैसा नहीं देते, कोई खर्चा नहीं देते, भूखा रहूँ या कैसा भी रहूँ, और मुझे दर्द की इतनी शिकायत है, मेरे हाथ पैर जुड़ रहे हैं खुलते नहीं, मतलब मैं लेटरिन में ले जाऊँ तो मेरी बीवी का हाथ भी टूट गया, बल्कि मुझे खींचने में, और हम बाबा कितने बेटे हैं आपके? बेटे तो दो है जी, बाकी दो क्या, मेरे तो एक भी नहीं। जब कोई मेरे पास आता ही नहीं तो मैं क्या बताने का हक रखूं जी। तो क्या आपको मतलब ये फालिश हो गया? जी हाँ फालिश है जी। 3 साल का टाइम गुजर गया मेरा फालिश में जी। ना मेरे पास का सही साफ तरीके से बोलना है और ना ही मेरे हाथ पांव मुझे सीधा होने देते, अगर चलूं तो मैं कदम कदम पर गिर जाऊं, मेरी कुल्ली भी टूटी हुई है, कुल्ली में बहुत ज्यादा चोट आ रही, तकरीबन कोई 10 बार गिर गए एक ही कुल्ली पे, और जो दर्द मेरे पर बर्दाश्त नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, मेरा कोई फिर हमसाया नहीं आता मेरे पास, मेरा तो ऊपर लाई बारिश है। आप निगेबानी कर रहे हैं, आप चाहे जो कुछ मेरे पर कृपा करें। तो दवाई वगैरह कैसे करते हो बाबूजी? दवाई कोई किसी जिसकी भी दवाई करी कोई आराम नहीं लगा, नुस्खे पिए इतने गर्म नुस्खे पिए, मेरे हाथों पर मुझे जले लिख रहे हैं, बिल्कुल आग जैसी जल लिख रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो पाया। ये मेरे सिंह में बहुत दर्द है जी, दर्द बहुत ज्यादा है मेरे सिंह में, इन हाथों में, पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, ये गोड्डा भी नहीं खुलता मेरा यहाँ से। बेटे आते हैं पास में? होने को तो दो है, पर अपने दो रास्ता नहीं, मदद नहीं करते, तो मतलब जिस वक्त में आप लोगों को जरूरत थी बच्चों की, आपने अपने बच्चों को पाला, खुद गिले कपड़े में सोए, उसको सूखे में सुलाया, आज वक्त थी उनको आपकी खिदमत करने की, तो ऐसे वक्त में आपको छोड़ के चले गए? हाँ जी, बस बगल लिएंगे मैं, एक तो यही रहा है, एक वहाँ मुजफ्फरनगर रहा है। तो जो यहाँ रहते हैं वो आते हैं मदद करने के लिए, नहीं आते, वो आपकी ख्याल रखते नहीं रखते? बस मदद कुछ नहीं, हम तो नहीं है लुंडी के पास। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा दे दे, तुझ मुझे दे दे, दीजिए माई दे दे, रो मत, रो मत आप। लेकिन यकीन रखना कि कुरान शरीफ में अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करने की बात आई है, उफ जैसे हम उफ करते हैं ना, वो उफ तक ना करें अपने माँ बाप के साथ में, ये आपके माँ बाप हैं, ये आपकी जन्नत हैं, ये आपके जन्नत के दरवाजे हैं, यकीन रखे अगर आपने अपने माँ बाप को, अपनी जन्नत को खुश नहीं रखा तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद और आपकी आखिरत भी बर्बाद। ये बुजुर्ग देख लीजिए आप इनकी आवाज़।
कि आप अब भी अपने बच्चों को दुआ देते होंगे? हाँ जी, दुआ तो सारी दुनिया के लिए करता हूँ जी, सब के लिए, जहाँ तक भी अहले इस्लाम रहते हैं वो सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए, अपनों के लिए भी, गैर के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, गैर रिश्तेदारों के लिए भी, खैर की अमन की दुआ करता रहता हूँ। आप रो क्यों रहे? आपके दो बेटे हैं ना? दो बेटे हैं आपके जी? तीसरा बेटा आ गया ना आप तुम्हारे पास में जी? आ गया तीसरा बेटा जी? फिर परेशानी क्या है मुझे बताओ, मैं आप मुझे बताओ क्या परेशानी, क्या चीज चाहिए? तुम्हारा बेटा मुशाहिद है यहाँ पे, मुशाहिद खान, आज से तुम मेरे माँ बाप हो, तुम मेरे माँ बाप हो सच में मेरे। आप कैसे जालिम बच्चे यार, आप तीसरा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे भेजा है ना आपके पास में, बताओ आपको क्या चाहिए बताओ। ये 2000 रुपया। अच्छा जी, रख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया फिर आऊंगा इंशाल्लाह, इसका बदलता फरमाए, आपके बच्चों में खैर आफियत के मामले पैदा फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया आखिरत में चमकावे इंशाल्लाह। तुम्हारे दो बेटे तुम्हारे पास नहीं आते, तीसरा बेटा तो आ गया तुम्हारे पास में। सही बेटे, दो बेटे गए, तीसरा आ गया। अब क्या चाहिए बताओ, करेंगे इंशाल्लाह, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? आगे ना भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही है बेटे, हम तेरे साथ हैं। अल्लाह तुमसे भी राजी, तुमसे राजी हो जा अल्लाह, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए, जिसको अल्लाह मिल जाए उससे बढ़िया कोई बात नहीं दुनिया, अल्लाह तुमसे खुश हो जा, आपके आल औलाद से भी, जैसे कि अल्लाह ताला इब्राहिम से भी खुश हुए और उनके आल से भी, ऐसा अल्लाह ताला तुमसे खुश हो जा तुम्हारी आल से। मेरे दिल की दुआ तो यही है, आपने मुझे आप लोग भी ऐसे लोगों की मदद करो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर गली में मिलेंगे, ऐसे लोगों की मदद किया करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। और मैंने आज पहली दफ़ा इस परिवार की मदद की है, और आगे इंशाल्लाह मैं मदद करता रहूँगा। और अगर आपके बाबा के बेटे अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आइए मेरे भाई, अपने माँ बाप को लेके जाइए, इनका इलाज कराइए, और अपनी दुनिया भी संवारिए, अपनी आखिरत भी संवारिए, क्योंकि ये बदला ऐसा है, जिसने अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सलूक नहीं किया, जिसने अपने माँ बाप को दर्द दिया, तो इसका अजाब मरने से पहले मिलना है, गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक समझते हो ना, मरने से पहले आपकी औलाद आपको इस हालत में रखेगी, और आपको एहसास होगा कि मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया था। तो आइए अपने घरों से निकले, अपने माँ बाप को यहाँ से लेके जाइए, और नहीं लेके जाते तो आज से इनका तीसरा बेटा तैयार है मुशाहिद, हमेशा मैं आऊँगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।